आपने शुरू किया लोकसभा चुनावी कैंपेन, अरविंद केजरीवाल ने दिया नया नारा। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में आ रहे हैं। आपने इंडिया ब्लॉक के सभी 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जनसभा में खुद को दिल्ली का बेटा बताया और अकेले लड़ाई में जनता को साथ देने की अपील की। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों को भी संदेश दिया। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, पानी के बिल और सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसी योजनाओं में केंद्र और उपराज्यपाल पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के लोग दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि आपने 3 बार एक मामूली आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है, इसलिए बीजेपी और LG बदला निकाल रहे हैं। याद करो, जब 6 साल पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था तब MCD ने बुलडोजर भेज कर एक क्लिनिक तोड़ दिए थे। जब मैं जगह जगह CCTV कैमरे लगवा रहा था तब LG ने फाइल ही रोक दी थी। हमने LG के कमरे में 10 दिन तक धरना दिया था तब फाइल को मंजूरी दी थी। आज मोहल्ला क्लिनिक की दवाएं और बिजली रोक दी। बीजेपी को दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? इन्होंने योगा क्लासेस बंद कर दी हैं। फरिश्ते योजना में घायलों को बड़े प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवाते थे। LG ने इस योजना को भी बंद कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर शुरू करने के आदेश दिए। केजरीवाल ने कहा, जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो ये बीजेपी के सांसद तालियां बजाते हैं, पार्टी और खुशियां मनाते हैं। ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं। ये सांसद LG के पास जाकर काम रुकवाते हैं। कल हमारी सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना पास करवाई है, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। हम कहते हैं कि तुम भी बिजली मुफ्त करो, लेकिन ये लोग खुद नहीं करते हैं, हमारे काम में अड़ंगा लगाते हैं। आज मैं अकेला LG और BJP केंद्र सरकार से लड़ रहा हूँ। आप मुझे अपना बेटा मानते हो, अगर आप बेटा मानते हो तो मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ना, आप लगातार हमारे साथ रहना। आप लगातार हमारे हाथ मजबूत करते आ रहे हैं, आगे भी आपकी जरूरत है। केजरीवाल ने कहा, आपने विधानसभा में हाथ मजबूत किए, वैसे ही संसद में भी मेरे हाथ मजबूत कर दीजिए। इंडिया ब्लॉक के 7 सांसद जिता कर दे दीजिए, अगली बार यही सांसद आपकी आवाज बनेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपके काम रोक पाएगा। ये बीजेपी सभी जगह कहते फिर रहे हैं कि हमारी 370 सीटें आ रही हैं, हमें दिल्ली के वोट नहीं चाहिए। इन्हें आपके वोट नहीं चाहिए, ना आपके वोटों की जरूरत है, इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, लेकिन मुझे आपके वोट चाहिए, आप मुझे वोट दीजिए। हमने महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। मैं हर महिला मतदाता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने इस योजना को बजट में पारित किया है, ये योजना क्रियान्वित की जाएगी। दिल्ली के CM ने आगे कहा, 7 BJP सांसद जितवा कर क्या मिलता है, ये सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोकते हैं। व्यापारियों से पूछना चाहता हूँ कि किसी एक सांसद ने आपकी आवाज उठाई? मैं आपकी आवाज बनूंगा। हमारी DDA में नहीं चलती, सांसद जुटा दिए तो DDA के काम करवाएंगे। बीजेपी के सांसद आपके काम रोकने में लगे रहते हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं। कोई सांसद आवाज उठाएगा तो ऊपर से डंडा मार दिया जाएगा, लेकिन मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली का हक छीना गया है। आप अगर 7 सांसद दोगे तो पुलिस में भी आपके काम करवा कर लाएंगे। मैं दिल्ली के हर छात्र को वही शिक्षा देना चाहता हूँ जो मेरे बच्चों को मिली। मैं दिल्ली के मतदाताओं के लिए वही स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना चाहता हूँ जो मेरे परिवार को मिलते हैं। हमारे कार्यकर्ता आज से एक एक घर जाएंगे, आपके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, आपसे वोट करने की अपील करेंगे और वोट मांगेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान 2 से 3 बार आपके घरों तक पहुंचेंगे। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।